आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे। तो दोनों टीम को पांच पांच रेड दिया जाएगा, नाम पुकारा जाएगा और पहला रेड जगह को मिला है प्रहलाद। देखना होगा प्रहलाद पुरस्कार, पहली रेडिंग का जिम्मेदारी। शुरुआती लम्हा है, खेल की गति की स्तर को बढ़ाना नहीं चाहेंगे। राइट कॉर्नर से उछल कूद करते हुए कवर के खिलाड़ी को छकाते हुए देखना होगा क्या कर पाते हैं। लेकिन और यहाँ पे एक नहीं दो दो मछली शिकार हुआ और मनोज ने अपनी जो काबिलियत है उसको इस ग्राउंड में और मनोज और देगा छोर से मनोज तामेश जाएंगे। तामेश भी उभरते हुए कोरबा की खोज कहा जाएगा। कोरबा जिले में एक से धुरंधर आनवान खिलाड़ी मौजूद है। काले हीरे की धरती में कई खजाना छिपी रहती है, बस उसे एक प्लेटफार्म की जरूरत होती है, निखारने की जरूरत होती है। और फिर तो गलती हुई, मनोज 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 माइंड गेम खेलता हुआ और इस बार टेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा था, बाहर करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन क्या खेल का नजारा। मनोज चले, देखना होगा मनोज क्या कुछ डीप में जाकर कुछ खलबली मचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वही बंदे हैं खेल कब पलटवार कर दे मनोज में वो गुण है। ये भी कोरबा कलेक्टर सलाह से आए हैं। और मनोज एक दीवार की तरह मजबूत स्तंभ खड़े हुए, रेडर को अंदर घुसने नहीं दे रहा है। हम मेहमानबाजी हम दरवाजे में करेंगे। भरत जाएंगे, भरत जाए क्या ला जो मैं चलता हुआ क्या खूबसूरत एक रेडो बची से और देगांव छोर से अंतिम रेडिंग का जिम्मेदारी मनोज पुलस्त को दिया गया है। मनोज पुलस्त भी सीआरपीएफ पुलिस में अपनी सेवाएं देते हैं, कबड्डी के प्रति अपार जुनून लगाव दीवानगी, हमेशा मैच खेलने आते हैं, समर्पित किया गया। और
बेगाव की टीम ने इस जीत को अपने सेहरा में बांधा। हम दोनों टीम को बधाई शुभकामना देना चाहते हैं, लख लख बधाई शुभकामनाएं।